नमस्कार, इजी कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। और गाना सुन के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूं। तो झारखंड का फेमस डिश है ढुसका। तो आइए चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। ढुसका बनाने के लिए हमने 2 कप चावल लिया है, अरवा चावल है, 1 कप चने की दाल और आधा कप उड़द दाल। इन सभी को भिगो देंगे। 3-4 घंटे भी भिगो सकते हैं, अगर आपको टाइम हो तो ओवरनाइट भिगो के इसको मॉर्निंग में पीस दीजिए। पीसने के 1 घंटे तक या आधे घंटे तक रेस्ट दे दीजिए, फिर ही इसका ढुसका बढ़िया होता है। तो आइए चलते हैं, इसको भिगो के रख देते हैं, फिर पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। 1 इंच से ज्यादा का अदरक का टुकड़ा है और ये 2 बड़े बड़े साइज के लहसुन की कलियां हैं। अब इन सभी को फाइन पेस्ट बनाएंगे। एक साथ भी डाल के पीस सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी इनको पेस्ट बना के एक में मिक्स करके रख सकते हैं। तो चलिए पहले इनका पेस्ट बना लेते हैं। सभी दालों को पीस के, चावल को भी पीस लिया है मैंने और सभी को मिक्स कर लिया। बढ़िया पीसते समय भी मैंने पानी डाल डाल के 1 कप के करीब पानी डाल के पीस लिया, इसको बढ़िया पेस्ट बना लिया है। अभी इसमें ये 1 चम्मच और थोड़ा सा है और नमक, 1 पिंच हींग और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इनको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। सभी को बढ़िया से मिक्स कर लिया। अभी ये जो है बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अभी बैटर हमारा ठीक हो गया है, अभी इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे। बैटर हमारा बढ़िया तैयार हो गया। अब इसको रेस्ट करने के लिए ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए ऑयल हमने गरम कर लिया है, इसमें है 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे तड़का। पहले से ही मैंने आलू को बॉईल करके रखा है। 1 बारीक कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन मिलाएंगे, इसको बढ़िया से भून लेंगे। प्याज हमारा बढ़िया भून गया है। अभी इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी 1 मिनट भून लेंगे। अदरक को मैंने 1 मिनट पका लिया। अभी इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला। सभी को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। सभी को बढ़िया से मिलाने के बाद से 1 टमाटर मीडियम साइज का कटा हुआ, इसको इस तरह से मिला लेंगे। फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। एक चम्मच नमक बढ़िया मिक्स कर देंगे। अभी इनको बढ़िया, जब तेल मसाले से बाहर आ जाएगा तब तक भून लेते हैं। 3-4 मिनट में बढ़िया हमारा मसाला तैयार हो गया है। अभी क्या करेंगे, इसमें ये मटर डाल देंगे। मटर डाल के फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। हमारा मटर भी बढ़िया गल गया है। अभी इसमें आलू मिक्स कर देंगे। एक कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, अभी बढ़िया से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इस तरह से ढक देंगे, ढक के 2-3 मिनट पका लेंगे। 2-3 मिनट हमने इसको बढ़िया पका लिया। अभी सब्जी हमारी बहुत बढ़िया हो गई है। अभी हमारी सब्जी तैयार हो गई है।
तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको ढक के 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑयल गर्म हुआ है या नहीं एक बार थोड़ा सा ऐसे एक बूंदे डाल के चेक कर देते हैं, तो बढ़िया फूल के आ रहा है, यानी कि ऑयल हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया ऑयल ऐसे गर्म हो गया है, नीचे से ऊपर की तरफ आ गया है। एक कंची ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग, छोटा या बड़ा इसको बना सकते हैं। एक लेयर का गिराना है और ऐसे छोड़ देना है। जब तक पहला वाला ऐसे फूल के ऊपर तक नहीं आता तब तक इसको दूसरा नहीं डालना है। इसको इस तरह से बढ़िया तैयार हो गया है। अभी इनको पलट के छोड़ देते हैं। एक लेयर डालना है, कई लेयर होगा तो फिर खराब हो जाता है। देखिए बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग बहुत छोटा थोड़ा चाहते हो तो थोड़ा छोटा बनाइए, थोड़ा बड़ा चाहते हो तो थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज से बनाया है। तभी ये दोनों सिक चुके हैं बढ़िया, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनको एक प्लेट में मैंने निकाल लिया। आलू मटर की सब्जी के साथ, मटर का सीजन है इसके लिए मैंने मटर की सब्जी बनाई, नहीं तो आलू चने की सब्जी के साथ, हरी चटनी के साथ भी ऐसे शाम के स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। मीठी चटनी बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी भी रहता है, थोड़ी सी मीठी भी रहती है, तो अच्छा लगता है। और ये झारखंड की फेमस ढुसका जो तैयार हो गया है, गर्मा गर्म खाइए। ये बाहर से ऐसे और ऐसे तोड़िए, देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसको बनाइए खाइए। तो बताइए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।